अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो है चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए चने चाहिए आपको 1 किलो भिगोए हुए, प्याज पेरी कटी हुई 1 कप, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून या फिर हसबे जायका, नमक 1 टेबल स्पून या फिर हसबे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला जात 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून या फिर हसबे जायका, ऑयल 1 कप, दो अदद टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, अब एक पैन लें और इसमें ऑयल शामिल करें और ऑयल को गर्म होने का इंतज़ार करें। प्याज डालें और उसके अच्छे से भुनाई करें तकरीबन जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन का आ जाए। हो जाए तो इसमें गरम मसाला जात शामिल कर दें और इसकी भुनाई करें और साथ ही साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करें। बुनाई करने के बाद अब इसमें स्पाइसी सारे ऐड कर लें जैसे कि चिली फ्लेक्स, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, सब कुछ इसमें ऐड करें और इसको 3 से 4 मिनट तक भूनें। चार से पाँच मिनट तक
पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसमें 3 से 4 पीस मिर्च रख देंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे। चना पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।